गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अनीता। स्वागत है आप सभी का रूप वाटिका चैनल पर। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं अपनी छत पर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा हिबिस्कस का प्लांट। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरी तरह फ्लावर से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, यह है पिंक कलर का हिबिस्कस गुड़हल। आप देखिए कितने सारे फ्लावर आए हैं इसमें। इस तरह आप लगाइए, ये सालों साल चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। आप एक बार इसको लगाएंगे तो सालों आपके गार्डन में ऐसा ही बना रहेगा। फ्रेंड्स, इसको किसी भी प्लांट को लगाने का बस एक ही तरीका होता है कि उसके लिए ज़रूरत होती है तीन चीज़ों की, एक पॉट और सॉइल एंड फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, पॉट की बात हम करें तो ये देखिए नीचे मेरा ये पॉट बड़ा है, कम से कम 14 इंच के पॉट में इसको लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से ग्रोथ ले तो 14 इंच के पॉट में इसको लगाइए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और सॉइल की बात हम लोग करें तो फ्रेंड्स, सॉइल में हम लोगों को बेलडेन सॉइल में इसको लगाना है। बेलडेन सॉइल बनाने के लिए क्या करना है आपको, 60% सिंपल आपको अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, 20% सैंड मिलानी है और 20% मिलाइए फर्टिलाइज़र। आप काऊ डंग भी यूज कर सकते हैं, आप कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छे से मिला करके और इस तरह अपना गमला तैयार कीजिए, फिर उसमें लगाइए, फिर देखिएगा इसकी ग्रोथ। और फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में ये हैवी फीडर होता है, इसको महीने में कम से कम एक बार तो आप फर्टिलाइज़र दे ही दीजिए। फर्टिलाइज़र में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, नीम खली बहुत अच्छे काम करती है, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाना मैंने सिखाया था। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस पर। आप जानना चाहते कैसे बनाना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद बनाना पील फर्टिलाइज़र भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते लिक्विड तो आप ऐसे ही केले के छिलके इसमें डाल दीजिए, वो अपने आप डिकम्पोस्ट होके एक अच्छी खाद का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आप इसमें कंपोस्ट एक दो मुट्ठी डाल दीजिए और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। कर लें बात इसमें लगने वाली बीमारियों की तो फ्रेंड्स, इसमें साल में दो बार सफ़ेद कलर के कीड़े अटैक करते हैं। मेरे प्लांट में तो है नहीं फ़िलहाल, मैं नज़र रखती हूँ, जैसे मुझे एक आधे नज़र आ जाते हैं मैं तुरंत उन्हें हटाकर फेंक देती हूँ। लेकिन ये देखिए मेरे दूसरे गुड़हल का है प्लांट, इसमें मैंने ये देखिए लगे हुए हैं हल्के हल्के, आपको शायद दिख रहे हों। तो इस तरह से सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े लगते हैं इसमें, तो इनको रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आपको नज़र आ जाए आप तुरंत इसको हाथ से ही हटा दीजिए। और अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इनको हटाने का एक तरीका है कि आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए। कैसे बनाना है अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। फ्रेंड्स, ये तो इस तरह इसकी देख रेख करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और साल भर आपको फ्लावर देता है आराम से। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट तो इसको लगाइए। हार्डी प्लांट है, कड़ी धूप में भी आराम से चलेगा और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत सारे कलर में आता है, पिंक, वाइट, रेड, डबल पेटल में है और येलो कलर का भी मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो मुझे बताइएगा। और अगर चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह मिलते रहें तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ अपने घर में प्लांट तो ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।